साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राज के अस्पताल की मोर्चरी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, तीन बहनें और माँ करती रही इंतजार, झाड़ियों में मिला बेटे नरेंद्र सिंह का शव। साथियों, पूरी घटना क्या है पूरी जानकारी के साथ आपको बता देता हूँ। नरेंद्र सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी भुटिया मातासर, हाल निवासी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर। साथियों, दिनांक 16 अगस्त 2024 को नरेंद्र सिंह अपने घर से अपनी माँ से 50 रुपये मांग कर दुकान के लिए निकला था। नरेंद्र सिंह वापस घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटने पर उसकी माँ ने गुमशुद की दर्ज करवाई। साथियों, कल रात को नरेंद्र सिंह का बाड़मेर से करीब 60 किलोमीटर दूर देवका गांव के पास स्थित एक झाड़ियों में नरेंद्र सिंह का शव मिला। शव मिलने के बाद परिवार को सूचना दी। बाड़मेर के एसपी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, वहां से शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। आज समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। जल्द से जल्द इन्होंने हत्या की आशंका जताई है। इन्होंने कहा आरोपियों की तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। तो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं समाज के लोगों से बात हुई है। साथियों, नरेंद्र सिंह हैं, नरेंद्र सिंह के जीजा जी ने पूरी कहानी बताई है, घटनाक्रम बताया है, क्या मामला है और क्या हुआ था और घर से कब निकला था। और साथियों, बड़ी बात यह है कि नरेंद्र सिंह की तीन बहनें हैं। नरेंद्र सिंह तीन बहनों का एक इकलौता भाई है। जो बहनें रक्षाबंधन के दिन इंतजार करती रही, रक्षाबंधन के दिन ही नरेंद्र सिंह का शव मिला माँ और बहनों को। नरेंद्र सिंह के जीजा जी से बात करते हैं, क्या कहते हैं जीजा जी। उससे पहले एक बार साथियों, शेयर कर दो इस पोस्ट को ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे, नरेंद्र सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि साथियों ये बहुत आर्थिक कमज़ोर परिवार है। साथियों, तो एक बार शेयर कर दो। साथियों, मोर्चरी के बाद देखो आरएसी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस के अधिकारी भी तैनात है। पुलिस के अधिकारी मौका रिपोर्ट फर्ज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक बार साथियों, शेयर कर दो इस पोस्ट को फटाफट। अपन बात करेंगे नरेंद्र सिंह के जीजा जी से। नरेंद्र सिंह के जीजा जी ने बताया है कि इनके पास एक कॉल आया था, 50,000 रुपये मांगे हैं और मैसेज भी आया था, कहा था किसी और को मत कहना, 50,000 रुपये हमें पहुंचा दो, आपका बेटा आपको सुरक्षित हम दे देंगे। चलो नरेंद्र सिंह के जीजा जी से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। एक देवका गांव के पास झाड़ियों में लाश मिली है, क्या मामला है, कौन है, कहाँ का, क्या घटना है ये? देवका के पास जो लाश मिली वो मेरा साला है। मैंने गुमशुदी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी थी। 16 तारीख को जो गुमशुदा हुआ था सुबह, उसको बोला मैंने कहा सर गुमशुदा। उसके बाद मुझे हमारे को सिद्धार्थ बुलाया कि देवका के पास आपको एक हमारी डेड बॉडी मिली है। हम जाके वहाँ देखा तो डेड बॉडी हुई थी। उसके बाद वहाँ जाके देखा तो वो सिद्धार्थ ऐसी लगी कि उसकी हत्या की गई है। अज्ञात लोगों का वहाँ जो गाड़ी के कोई भी गाड़ी जो थी उनकी टायर मिले हैं, जो घूमने वाली एक वहाँ पानी की बोतल रखी हुई थी, बिस्किट रखा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि जो 50 रुपये लेके बंदा अगर सुसाइड करने जाएगा तो वो इतना काम यहाँ से लेके 60 किलोमीटर दूर बाड़मेर से नहीं जाएगा। इसकी हत्या करके वहाँ उसको लटकाया गया है। उसके बाद भी पुलिस कोई भी जांच हमने दी थी, उसके हमारे को जाँच की कोई भी, हमने जो फुटेज दिए थे ग्लोब स्कूल के जिस दिन गोश, उसके बाद हमारे को पुलिस ने यही पूछा, हमने जाके पूछा उसकी कॉल डिटेल कह दो, तो वो भी दी नहीं थी हमारे को। तो हमारे को निश्चित जांच चाहिए और वो पूरी जांच किया जाए और समाज से हम पूरी विनती करते हैं मेरे साथ खड़े रहे। और उस माता पिता को जो इन बहनों का भाई अकेला उनके कमाने वाला हुई था, उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं है, जो है वो अकेला ही था। उसके बाद जो उनकी समाज से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे साथ खड़े रहे और उनकी न्याय दिलाए। घर में क्या कह के निकला था? घर से निकला था, दुकान के कह के निकला था कि मैं दुकान जा रहा हूँ सर। उसने बोला कि मैं मम्मी दुकान खाना खा के दुकान के लिए ही बोला था वो। तो वो दो दिन घर पे रहा था, तो उसे कुछ उसने घर वालों को बताया कि मैं दो दिन छुट्टी में इसलिए रहा हूँ घर पे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। तो एक कोई फोन वोन आया था, वो बता रहे हो क्या है? फोन तो कोई पहले से उसको अगैध नंबर से उसको धमकी मिली थी। हाँ। जो हमने नंबर दिए हुए हैं उसमें एफआईआर दर्ज में बोला था, कोई बात कर रहे थे मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा। हाँ। जो उसके मम्मी ने बताया था, बात फोन पे कर रहा था, घर पे सो रहा था उस टाइम, वो उसके मम्मी ने बताया था हमारे। ऐसा लगने कोई गलत संगत में नहीं था? नहीं, ऐसी कोई संगत उसकी गलत नहीं थी। और स्टेशन रोड फुटवेयर में 1.5 महीने से काम कर रहा था, जहाँ उसकी अभी तक पगार ही वहीं पड़ी। उसने अगर ऐसा होता तो वहाँ से पगार लेके जाता, तो वो अभी तक उस सेठ के पास पगार 1 रुपया भी नहीं लिया। ये बताए कोई मैसेज वैसेज आए, कोई पैसे 50,000 रुपये मांगे थे? वो तो हमने जो सोशल मीडिया पे जो एक डाली थी गुमशुदा रिपोर्ट, उस पर मेरे को कोई नंबरों से मिली है कि आप नरेंद्र चाहिए तो 50,000 रुपये दो। फिर उसने भी वापस लिखा कि आप कुछ भी पुलिस को दोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर बोले हमारे को 11,000 दो। बाद में बोला अगर पैसे नहीं भेजोगे तो बाद में पछताओगे। ऐसे मेरे पास उसकी व्हाट्सअप 60 है। तो पुलिस ने खुद उनका पता किया? नहीं, मैंने पुलिस को उस टाइम ही दे दी थी वो जो 60 आई थी उस टाइम। उसके बाद उसको पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब क्या आगे का कार्यक्रम क्या है, रणनीति क्या है आपकी? हमें अंध्या है कि उसकी हत्या की गई है। हाँ। इसकी निश्चित जाँच हो। हाँ। और उसको परिवार को न्याय दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू सिंह है, मैं उनका जीजू हूँ। ठीक है जी, क्या मामला है? एक शव मिला है आपके समाज के युवा का, क्या घटना है? ये बहुत ही दयनीय घटना है। इसके अंदर नरेंद्र सिंह सुपुत्र स्वरूप सिंह भरोटिया गांव का निवासी है। अभी वर्तमान हाल इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर में रहते हैं। बहुत ही निर्धन व्यक्ति है। इनके पिताजी है नहीं और इनकी माता जी और यहाँ पर अन्य समाज की यहाँ पर कार्य कर परिवार का गुजारा चलाते थे। और ये कमाने वाला व्यक्ति ये यही था। इसकी 3 बहनें हैं, 3 बहनों का इकलौता भाई है। और ये बहुत ही शरीफ बंदा है। इसने कुछ भी गलत तरीके से कोई भी नशा पता वगैरह कुछ नहीं है। और ये भी ईमानदारी से धंधे जाता था आता था। जहाँ ये कार्य करता है वहाँ पर हमने पता किया। वास्तव में इसकी सैलरी जो तनख्वाह होता है, तनख्वाह वहाँ जमा है। उसने 1.5 महीने उन सेठ ने बोला कि आप तनख्वाह ले लो, तो उसने कहा नहीं मैं इकट्ठा होगी तो साथ में लूँगा। अब ये सुनने में आया है कि 12-13 तारीख को रात को उसको कोई धमकी आई थी। 2 दिन ये अपने घर पर रहा और 16 तारीख को सुबह खाना खा के मम्मी से 50 रुपये लेकर वहाँ दुकान पर गया है। अब वो वहाँ से निकला है, निकलने के बाद में उसका फोन बंद हो गया। अब अपन भी एक तो 50 रुपये लेकर वो देव का उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ देव का हाईवे से कम दूर झाड़ियों के बीच में वहाँ जाके 2 रस्सियाँ वहाँ पर मिली है। वहाँ पर रात को एसएफएल टीम और उमेश सिंह जी शिव वाले वगैरह सभी थे। वहाँ पर 2 रस्सियाँ मिली है, 1 रस्सी छोटी है। और वास्तव में वहाँ घटना पर मौका मौना देखो तो वहाँ पर एक पतली सी झाड़ी है। झाड़ी में वह सब लटका हुआ है। खुद की आदमी की हाइट है कम से कम 6 फुट। और वहाँ आप देखे मौके पर घुटने वहाँ पर टच है ज़मीन से और 4 फुट के ऊपर की खांसी खाई हुई है। ऊपर मान नहीं सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब वहाँ टायरों के निशान भी है गाड़ियों के। और वहाँ पर उन्होंने मेरे हिसाब से जो ये किया है घटनाक्रम, इसको पूरा साजिश के साथ उसको मार के वहाँ डाला गया है। हमारा समाज का सभी समाज यहाँ प्रभुजन इकट्ठा हुए हैं। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी तुरंत प्रभाव से इस चीज़ का खुलासा किया जाए। जो भी अपराधी है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ गिरफ्तार किया जाए। और ये इनके कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो प्रशासन की तरफ से जो सरकारी योजनाओं का लाभ है इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारा यही ठीक है, धन्यवाद।